हेलो बच्चों, सीबीएसई ने 1 मई 2021 को उन 10th क्लास के बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों को पास करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस बेसिस पर उनको आगे पास किया जाएगा, इसके बारे में पूरा एक सेट उन्होंने कर लिया है। क्राइटेरिया पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विमल एजुकेशन में। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट 1 मई 2021 है और यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय स्कूल्स। मैं आपको बता दूं, ये पूरा 17 पेज का एक पुलिंदा तैयार किया है सीबीएसई ने। अब मैं पूरे आपको यहाँ पर 70 पेजेस तो नहीं मैं बताऊंगा, पर हाँ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले देखें यहाँ पर कि कंडीशन क्या थी, है ना, बैकग्राउंड बता रखा है। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन द कंट्री, सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14 अप्रैल 2021 कैंसल्ड द बोर्ड एग्जाम फॉर द क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई टू 7 जून। पहली बार ऐसा किया गया था कि सीबीएसई ने आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए थे, जो 4 मई को होने थे, और नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया था कि रिजल्ट जो होगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का वो प्रिपेयर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड, एंड कोई कैंडिडेट अगर उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तो वो बच्चा एग्जाम दे सकता है, सीबीएसई ने ऐसा कहा था। सीबीएसई के सामने चैलेंजेस क्या क्या आए तो देखते हैं। इन द पेंडेमिक सिचुएशन डिलीवरिंग फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट स्टूडेंट्स ऑन टाइम इज ए चैलेंजिंग टास्क, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट द सीबीएसई स्कूल सिस्टम विल वर्क हार्ड टू मेक थिंग्स हैपन एज स्मूथली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बता रखी हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं इसका पीडीएफ लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसीज ये भी आप इसमें देख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें 4 के प्रिंसिपल्स हैं, इवेल्यूएशन, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी को फॉलो किया जाएगा। अब ये देखते हैं, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसीजर क्या है इनका असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का, तो देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। द स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। तो सबसे पहले बात आपको पॉइंट याद रखना है, आपको 100 में से नंबर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड 20 मार्क्स आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स आर फॉर द ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। होता क्या था अब तक कि 20 जो मार्क्स होते थे आपके वो किसके होते थे, इंटरनल्स के होते थे, और 80 नंबर आपके होते थे जब बोर्ड का एग्जाम देते थे उसके होते थे। द इंटरनल असेसमेंट फॉर 20 मार्क्स विल बी एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी लेड आउट इन द सर्कुलर नंबर अकेडमिक 11/2019 डेटेड मार्च 6/9/2019, ये इस पर दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसमें। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो है कि ऐसा हो रहा था, ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है कि सर्कुलर पर के बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है स्कूल्स की तरफ से और उन्होंने डेटा भी अपलोड कर दिया है सीबीएसई की वेबसाइट पर। स्कूल को रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आपने नहीं किया है तो 11 जून तक ये जरूर कर दें, ठीक है। अच्छा, कैंसिलेशन जब हो गया बोर्ड एग्जाम का तो असेसमेंट जो है 80 मार्क्स का, ये कैसे किया जाए, ये बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई थी। तो ये क्राइटेरिया देखें, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। देखो, इंटरनल वाला मैटर तो खत्म हो गया, वो तो स्कूल वालों ने देना है पूरा पूरा जैसा देते हुए आए थे वो, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर एंड, पूरे साल भर के दौरान या लास्ट में जो भी आपके टेस्ट वगैरह लिए गए, पेपर वगैरह लिए गए, उनके बेसिस पर द मार्क्स शुड बी इन द कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पूरे साल भर में जो भी आपके एग्जाम्स हुए होंगे उनके मार्क्स को लेकर ही, चाहे वो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपको वो यूटी के एग्जाम हो, चाहे पीटी के एग्जाम हो, उन्हीं के मार्क्स को क्राइटेरिया बनाकर आपका 80 मार्क्स का जो है वो तैयार किया जाएगा और 80 में से आपको बताए जाएंगे आपके कितने मार्क्स होंगे। अब ये कैसे करेंगे, देखो, ईच स्कूल शैल फॉर्म ए रिजल्ट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट। देखो, आप लोगों के लिए हर एक जो स्कूल है कमिटी बनाएगा जिसमें एक प्रिंसिपल होगा और 7 टीचर्स होंगे जो रिजल्ट को फाइनलाइज करेंगे। 5 टीचर्स जो होंगे वो एक मैथमेटिक्स का होगा, एक सोशल साइंस, एक साइंस और 2 लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश के या और भी कोई अगर लैंग्वेज है,
और दो टीचर जो है आपके स्कूल का नहीं होंगे, वो किसी दूसरे स्कूल के होंगे, नेबरिंग स्कूल के होंगे, शुड बी को ऑप्टेड बाय द स्कूल एज द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी, यानी टोटल यहाँ पर इस तरह से ये टीचर्स किए जाएंगे, ठीक है। रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कमेटी और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी दी हुई है, उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, यहाँ पर ये बता रखा है, ये बच्चों के काम की चीज नहीं है। आगे अब हम देखते हैं द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इंटरनल टेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन्ड इन ए सिक्योर मैनर। जो भी आपका पूरा ये समझ लो पूरा जो कच्चा चिट्ठा था पूरे साल भर का, आपने कॉपीज कैसे सबमिट करवाई है, होमवर्क सबमिट करवाया या नहीं करवाया, आपके प्री बोर्ड में या यूटीज वगैरह में मार्क्स कैसे आए, ओरल टेस्ट में कैसे मार्क्स आए, तो पूरा जो आपका वो तैयार किया होगा उन्होंने डॉक्यूमेंटेड जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया होगा, अब वो खुलेगा दोबारा से और सब टीचर के सामने आएगा वो, ठीक है ना। एज पर द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल थ्रू द रीजनल ऑफिस ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स हैव कंडक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स। ब्रॉडली द फॉलोइंग एग्जाम टेस्ट आर कॉमन एंड विल बी यूज्ड फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड द वेटेज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो क्या होगा, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह या यूनिट टेस्ट अगर हुआ होगा वो उसमें 10 मार्क्स लिए जाएंगे उसके, हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन अगर हुआ होगा तो उसका 30 मार्क्स सेट किए जाएंगे, और प्री बोर्ड के अगर एग्जामिनेशन आपका हुआ होगा वो 40 मार्क्स उसमें से देखे जाएंगे, ठीक है, कि आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसमें आप ये देखेंगे 40 में से आपके कितने बैठते हैं और कैसे करके टोटल आपका 80 मार्क्स से बैठ जाएगा और वही आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। यानी कि आपके प्री बोर्ड में ज़्यादा नंबर लाना बहुत ज़्यादा जरूरी थे, अगर आपके प्री बोर्ड में ज़्यादा नंबर आए थे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और है खास, मैं आपको जो बता दूँ ध्यान से समझेंगे इस खास बात को, खास बात आपके लिए यहाँ पर यह है कि ये कहीं मैंने पढ़ा था या मुझे ध्यान नहीं कहाँ है कि अगर आपके किसी प्री बोर्ड वगैरह में या किसी भी एग्जाम, मतलब आपसे आपके स्कूल में कई सारे एग्जाम लिए हैं, ठीक है, प्री बोर्ड भी कई स्कूल्स क्या करते हैं दो दो तीन दिन एग्जाम्स लेते हैं, तो यहाँ आपके वो वाले लिए जाएंगे उनका एवरेज लिया जाएगा। देखो इफ द स्कूल हैज कंडक्टेड टू और थ्री प्री बोर्ड एग्जाम्स इट मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज ऑफ थ्री एग्जाम टू टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द थ्री टेस्ट और गिवन ए वेटेज टू ईच एग्जाम एज अ कंसिडरेबल सुटेबल। मतलब अगर आपके दो तीन एग्जाम हो गए हैं, एक में अगर कम आ गया बाकी दोनों में ठीक है तो चिंता करने वाली बात आपको नहीं है, आपको उनका एवरेज जो मार्क्स है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स हैं जो वन और मोर ऑफ द अबव थ्री कैटेगरीज हैव नॉट बीन कंडक्टेड, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ और उनके डिफरेंसेस भी होंगे टर्म्स में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में कि ऑनलाइन हुआ है ऑफलाइन हुआ है। ऑल्सो इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट हैव अपीयर्ड इन एनी और सम ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्कूल। अब यह भी बड़ी समस्या है, कई सारे ऐसे भी एग्जाम हुए होंगे जिसमें जो बच्चे हैं वो अपीयर नहीं हुए होंगे कोविड की वजह से, तो फिर क्या किया जाएगा, विल हैव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल एंड देयर आफ्टर ड्रॉ अप ए क्राइटेरियन फॉर द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स। कोई ऐसा क्राइटेरिया फिर आपके लिए सेट किया जाएगा ताकि आपका 80 मार्क्स का एक वो बन जाए सेट, उसका एम ये होगा कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल वो प्रिपेयर हो जाए और रेशनेबल फॉर द क्राइटेरिया शुड बी वेल थॉट आउट ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशनेल डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग इन द डिटेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ बता रखा है, तो मोटी मोटी बात सारी ये है, सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा किसके बेसिस पर, आपके जो भी अभी तक एग्जाम हुए होंगे चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, सॉरी बोर्ड के नहीं प्री बोर्ड के एग्जाम्स हो, उनके बेसिस पर। आगे थोड़ा हम और देख लेते हैं, आप यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लें। यहाँ पर इसमें रिजल्ट का भी डेट एक बता रखा था कि रिजल्ट की जो डेट है याद रख लें, कोई भी जो डेटा होगा एक बार अपलोड कर दिया जाएगा वो फाइनल होगा और उस पर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। और इफ ए कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट, अगर बच्चा किसी भी पेपर में नहीं गया तो स्कूल फिर उसका एग्जाम ले सकता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी या फोन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ भी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, और वो या ये बताओ डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे छोटे मोटे से। कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ये आप छोड़ देते हैं, और रिजल्ट का आपको यहाँ पे बताया हुआ है, रिजल्ट की डेट जो थी मैं आपको बता देता हूँ, जून में आपका कहीं ये रिजल्ट आना है। कमेटी जो बनेगी 5 मई तक ये बनेगी और ये सारा अलोकेशन वगैरह जो हो जाएगा 10 मई तक, हमें फाइनल इससे मतलब है। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा 20 जून को आपका रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स आपका 10th क्लास का जो रिजल्ट आएगा 20 जून तक आएगा, जो बहुत लंबा समय है, तो आप लोग वेट ना करें इसका। आप लोगों को ने जो भी स्ट्रीम लेनी है, कुछ स्कूल्स ने तो आपको दे भी दी होगी स्ट्रीम, तो आप अपनी वो स्ट्रीम लेकर आप पढ़ाई शुरू करें, या अगर आपने सोचा हुआ है कि हाँ भाई मेरे अगर बोर्ड के सॉरी प्री बोर्ड के या पीटी वगैरह के पेपर अच्छे गए थे तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और मुझे
साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स साइड लेनी है या आर्ट साइड लेनी है, तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप उनकी पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है ना। क्योंकि ये तो अपना लगे रहेंगे रिजल्ट वगैरह प्रिपेयर करने में, तो टाइम आप समझ लो मई का भी पूरा निकल जाएगा, जून का भी आपका पूरा निकल जाएगा अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे। अप्रैल का तो निकल ही चुका है, ठीक है ना, रिजल्ट का वेट करेंगे तो जुलाई में जाकर आपकी पढ़ाई शुरू होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या कोई और भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो मुझसे आप जरूर पूछें। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।